हमारा टॉपिक रहेगा गियर का टॉपिक। तो ये आप सब गियर देख रहे हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर में लगने वाले गियर, तो इनके बारे में आज आप जानेंगे। ये किस टाइप के गियर होते हैं और किस बेयरिंग गियर्स में यूज किया जाता है, तो आगे चल के वीडियो आप यही सब देखेंगे। तो मेरा नाम है हेमंत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और इसमें आज आप देखेंगे सारे महिंद्रा ट्रैक्टर के जितने मॉडल हैं ओल्ड मॉडल के, तो उनमें जो गियर लगते हैं तो उनके बारे में आज आप जानेंगे। तो ये टेबल पर आप देख रहे हैं सभी गियर हैं, ये स्प्लाइन शाफ्ट है, स्प्लाइन शाफ्ट में लगने वाले गियर, और इसका बेयरिंग केज, बेयरिंग किस बेयरिंग का यूज़ किया जाता है, और काउंटर शाफ्ट भी देख रहे हैं, काउंटर शाफ्ट में भी लगने वाले जो गियर होते हैं उनके बारे में भी आज आप जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये स्प्लाइन शाफ्ट आप देख रहे हैं, और इसे मैकेनिकल भाषा में हम टैल शाफ्ट भी बोलते हैं, और स्प्लाइन शाफ्ट भी इसका नाम है। तो ये आप देख रहे हैं स्प्लाइन शाफ्ट। तो सबसे पहले इसमें ये जो बेयरिंग केज आप देख रहे हैं, इसका ये बेयरिंग केज आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें हम बेयरिंग फिट कर देंगे। तो ये जो बेयरिंग केज आप देख रहे हैं, तो इसमें ये बेयरिंग कुछ इस तरह से फिट होता है, और ये स्प्लाइन शाफ्ट में इस तरह से फिट होता है, ये प्रेस किया जाता है। तो इसका नंबर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इस बार 3780Y3720। तो ये पहले फिट हुआ, उसके बाद ये इस तरह से हमारा बेयरिंग केज आ जाएगा, और इसके बाद कुछ सिम्स होंगे, इसमें सिम सेट करने के लिए हमें इसमें डालना होगा, और उसके बाद हमारा ये बेयरिंग इसमें इस तरह से फिट हो जाएगा। ये दोनों बेयरिंग आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से फिट होते हैं इसमें, और ये जो ऊपर वाला बेयरिंग है हमारा, तो इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं 3690Y62। ये लॉक नट आप देख रहे हैं, ये लॉक नट कुछ इस तरह से इसमें फिट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा ये लॉक वॉशर आ जाएगा, उसके बाद हमारा ये एक और लॉक नट आ जाएगा। ये लॉक नट है, ये फिर वॉशर आ जाएगा, लॉक वॉशर, और फिर उसके बाद ये लॉक नट फिर से आ जाएगा, और इसके बाद हमारा जो है ये आप फर्स्ट रिवर्स गियर देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से होता है। ज़्यादातर मॉडल में आपको देखने मिलेगा, और ये 51 टीथ का आता है और 52 टीथ का आता है, ये टू टाइप्स के आते हैं, और ज़्यादातर आपको 52 टीथ के ही गियर देखने को मिलेंगे। और ये कुछ ये इस तरह से फिट होता है, ये सेकेंड थर्ड गियर है, ये जो है ये थर्ड गियर के टीथ जो है ये आपको 38 देखने को मिलेंगे, और ये जो सेकंड गियर है तो ये आपके टीथ रहेंगे 44। सभी मॉडल में आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, और ये स्प्लाइन शाफ्ट में इस तरह से फिट होता है। इसके बाद आप ये फोर्थ डायरेक्ट कपलिंग गियर आप देख रहे हैं, ये भी इसमें इस तरह से ये भी प्रेस होता है, इसके टीथ मैच करने के बाद इसको प्रेस किया जाता है। और ये जो है ये फोर्थ गियर है, फोर्थ स्लाइडिंग गियर है, इसके टीथ जो है ये भी आपको सभी मॉडल में एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, इसके 31 टीथ आपको देखने को मिलेंगे,
और ये इस तरह से फिट होता है। और ये जो है ये आप स्लाइडिंग कॉइल गेट देख रहे हैं, और इसमें जो है ये बेयरिंग जो आप देख रहे हैं, ये दो बेयरिंग इसमें फिट होते हैं। और जैसे ही जो ट्रैक्टर हमारा एक टाइम के चलते मशीन जो है हमारी ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये कोयल गियर की जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये डैमेज हो जाती है। तो एक टाइम के बाद इसमें ये बैरिंग चलते नहीं है, बैरिंग का जो हमें फीडबैक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो उसमें हम करते क्या है कि कोयल गियर जो है उसमें हम पीतल वो जो होता है तो वो हम लोग उसे प्रेस करवा देते हैं, तो उसका हमें फीडबैक अच्छा मिल जाता है, बहुत ही अच्छी सर्विस मिल जाती है हमें। तो ये देख रहे हैं इस तरह से, इसमें ये आपको दिख रहा होगा, ये इसमें बस प्रेस करवाया हुआ है, तो ये इस तरह से फिट होता है। और ये जो है ये आप स्लाइडिंग कपलिंग गियर देख रहे हैं, स्लाइडिंग कपलिंग गियर, ये इसमें अंदर जो है टीथ दिए हुए होते हैं, टीथ अंदर साइड इसमें दिए हुए होते हैं, तो इनको भी देख करके इसमें कुछ इस तरह से फिट किया जाता है। कोयल गियर के साथ ही ये रोटेट होता है, ये कुछ इस तरह से इसमें रोटेट होता है, मूव होता है इसमें। तो ये हमारा हो गया स्प्लाइन शाफ्ट का डिस्क्रिप्शन। अब हम इसमें देखेंगे काउंटर शाफ्ट का डिस्क्रिप्शन। काउंटर शाफ्ट में आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, मतलब कभी कभी किसी किसी मॉडल में आपको काउंटर शाफ्ट के गियर जो है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। टीथ और टीथ जो होते हैं गियर के टीथ, तो उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि ये काउंटर शाफ्ट आप देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट गियर फिक्स होता है, फर्स्ट गियर के टीथ इसी में ही आपको फिक्स हुए दिख जाएंगे। तो इसके टीथ जो है, इसके टीथ आपको देखने को मिलेंगे 90, और इसी के साथ जो हमारा DI मॉडल है ओल्ड मॉडल में, तो उसमें आपको 80 टीथ देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें इतना ही डिफरेंस होता है। और ये जो है ये आपको की पॉइंट देख रहे हैं, की स्लॉट, तो एक इसमें की लगी हुई है और एक की ये मेरे हाथ में, तो ये इसमें इस तरह से फिट होती है। ये काउंटर शाफ्ट का रियर बेयरिंग आप देख रहे हैं, ये बॉल बेयरिंग है, ये यहाँ पे फिट होता है, ये भी प्रेस होता है, प्रेस के थ्रू ये फिक्स होता है। इसमें इसका नंबर आप नोट कर सकते हैं, इसका नंबर रहेगा 6208, तो ये यहाँ पे फिट होता है। फिट आप गियर देख रहे हैं, इसके 26 टीथ आपको देखने को मिलेंगे, ये सेम होता है सभी मॉडल में, ये भी प्रेस होकर के फिक्स होता है, ये इस तरह से फिक्स होगा। और उसके बाद हमारा ये थर्ड और फोर्थ गियर आप देख रहे हैं, ये थर्ड फोर्थ गियर है, इसके आपको टीथ है 32 देखने को मिलेंगे और 39 देखने को मिलेंगे। ये सारे मॉडल में आपको ये भी एक जैसा ही देखने को मिल जाएगा, ये भी प्रेस होकर के फिट होगा इस तरह से। ये सेकंड स्पीड गियर के बाद ये आप देख लें, इस तरह से फिट होगा। इसके बाद जो है हमारा ये कांस्टेंट मेश गियर आप देख रहे हैं, जिस तरह से होता है वो टू टाइप्स का देखने को मिलेगा। तो जो DI मॉडल है तो उसमें आपको 55 टीथ का देखने को मिलेगा, और जो इंटरनेशनल मॉडल रहेगा B275, तो उसमें आपको 54 टीथ का देखने को मिलेगा, एक टीथ का इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। स्लाइडिंग कपलिंग गियर देख रहे हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट में इसमें कुछ इस तरह से फिट होता है, ये कुछ इस तरह से इसमें फिट होता है।
काम करेगा। इसके बाद हमारा ये स्पेसर आप देख रहे हैं, ये स्पेसर इस तरह से इसमें फिट होगा। और ये जो है ये फ्रंट वायरिंग आप देख रहे हैं काउंटर शाफ्ट, इसका नंबर रहेगा 6210। ये भी प्रेस होकर के ये लॉक के साथ आता है। ये इसमें आप देख रहे हैं ये लॉक का स्लॉट बना हुआ है, तो ये भी प्रेस होकर के ये इसमें फिक्स होगा। तो ये जो है ये आप रिवर्स गियर देख रहे हैं, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कई बार टीथ के वजह से। तो ये जो गियर शाफ्ट है, तो इस साइड के जो टीथ है ये आपको सभी मॉडल में 20 देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो गियर है तो इसमें हमें केवल एक टीथ का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 2 टीथ देखने को मिलेंगे। और जो हमारा DI मॉडल है महिंद्रा ट्रैक्टर इंटरनेशनल के बाद वाला मॉडल, तो उसमें आपको 21 देखने को मिलेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है, तो इसका आप ध्यान रखें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो गियर के बारे में था महिंद्रा ट्रैक्टर के लेने वाले। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।